फैमिली किचन डॉट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे रवा बर्फी। एक स्वीट रेसिपी है, आप इसे कोई भी फेस्टिवल या फंक्शन में बना सकते हो। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट जरूर बताएं। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले, जिससे मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। पैन लिया है, पैन में हम देसी घी ऐड करेंगे। घी गर्म हो जाए फिर हम सूजी डाल देंगे। एक कप सूजी डाल देते हैं। सूजी का कलर गोल्डन कलर का हो जाए तब तक हम इसी तरह चलाते हुए भुनेंगे। सूजी को मीडियम फ्लेम पर भुनेंगे। सूजी को लगातार चलाना है। सूजी को रवा भी बोलते हैं। रवा को हम 4 से 5 मिनट तक इसी तरह भुनेंगे। रवा को सेकने में करीब करीब 4 से 5 मिनट का वक्त लगता है। रवा को हम लगातार चलाते हुए भुनेंगे। इसका कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो रहा है। रवा सेक के गोल्डन कलर का हो गया है। तो एक बाउल मावा डाल देते हैं। मावा हमने ग्रेट करके लिया है, इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो एक बाउल हम कोकोनट पाउडर ऐड करेंगे। कोकोनट पाउडर को भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। तो अब हम एक प्लेट में डाल देते हैं। रवा को एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब हम चाशनी तैयार कर लेते हैं। गैस पर हम एक पैन लेते हैं। पैन में हम शुगर डाल देते हैं। हमने एक बाउल शुगर लिया है। शुगर आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। हम आधा कप पानी डालेंगे और चाशनी बनाएंगे। चाशनी को हम चलाते हुए बनाएंगे। चाशनी हम हाई फ्लेम पर बनाएंगे। चाशनी बनने में 5 से 6 मिनट का वक्त लगेगा। हम इसे लगातार चलाते हुए चाशनी बनाएंगे। चाशनी में उबल आ गया है तो हम चेक कर लेते हैं। चाशनी अभी हमारी नहीं बनी है तो थोड़ी देर हम और चलाएंगे। अब चाशनी को फिर चेक कर लेते हैं। चाशनी हमारी अच्छी तरह से बन गई है। तो इसमें हम रवा डाल देते हैं। अब गैस को हम ऑफ कर देते हैं। इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे। चाशनी में रवा को अच्छी तरह से मिला लेते हैं। हम नीचे उतार लेते हैं और एक प्लेट में डाल देते हैं। एक प्लेट में डाल दिया है तो ऊपर से हम कट किए हुए काजू बादाम और पिस्ता डाल देते हैं और गार्निश कर लेते हैं। बर्फी को हम 2 मिनट ठंडा होने देते हैं, फिर हम इसे कट करेंगे। अब 2 मिनट हो गई है तो अब हम इसे कट कर लेते हैं। हम इस तरह से इसे कट करेंगे। बर्फी को हमने कट करके तैयार कर लिया है। तो तैयार है हमारी ये रवा बर्फी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।